कह रहे हैं बच्चों, निम्नलिखित समस्याओं के समीकरण युग्मों को बनाइए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात करें। बहुत ध्यान दें। तीसरे का पहला स्टेटमेंट है, इक्वेशन बन गई, काम बन गया। माना कि पहली संख्या या बड़ी संख्या बराबर एक्स है। लेट लार्ज नंबर बी एक्स एंड स्मॉल नंबर बी वाई तथा छोटी संख्या बराबर वाई है। ठीक है बच्चों, अब सवाल ये कह रहे हैं इनका अंतर डिफरेंस 26 दे रखा है, 26। तो प्रश्न अनुसार चलेंगे, एटीक्यू प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। समीकरण एक में कोई समस्या आई? मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अब सवाल कह रहा है बड़ी वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या से 3 गुणी है, 3 times, तो x इक्वल टू 3 times ऑफ स्मॉल नंबर। समीकरण नंबर दो, कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं है, x बराबर में 3y। समीकरण दो से एक में मान रखने पर रखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 26 था बेटा, x की जगह क्या लिख सकते हैं 3y माइनस वाई बराबर में 26, 3y में से y घटाएं तो 2y बराबर में 26, y बराबर में 26 बटे में 2, 13 × 26, y कितना आ गया बच्चों 13 आ गया, y कितना आ गया 13 आपके पास आ चुका है। अब y का मान समीकरण दो में रखो, एक में रखो, जैसी मर्जी करे वैसे रखो, समीकरण दो में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण दो में रखूंगा तो 3 गुणे y का मान 3 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसके सारे ही क्वेश्चन, तीसरे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आप समझिएगा इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में जो छोटा कोण है बड़ा कोण है वो छोटे से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है और पूरक कोण क्या होता है। बच्चों बता सकते हो संपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं बच्चों, और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं बच्चों। समझ में आ गया? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो तीसरे का दूसरा सवाल। माना कि बड़ा कोण बराबर एक्स है, लेट द लार्ज एंगल बी एक्स एंड द स्मॉल एंगल बी वाई तथा छोटा कोण बराबर वाई है। इतनी बात समझ में आ गई? और बच्चों इस संपूरक कोण है, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, इनका सम कितना होगा 180 होगा, तो संपूरक है तो x प्लस वाई बराबर 180 है, तो सीधी सीधी समीकरण आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 180 समीकरण एक आ गया। इसके बाद कह रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार लिख सकते हो चाहे तो तुम x बराबर वाई प्लस 18, बताओ है कि नहीं है? बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 अधिक है, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों y प्लस 18। समीकरण दो से एक में मान रखने पर x की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं बच्चों? y प्लस 18, y की जगह y है बराबर 180 का 180 है, y प्लस y 2y हो गया बराबर 180 माइनस 18 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 18, 2y बराबर 180 में से 18 घटाओ 170, 170 में से 8 गया तो 162, कितना बच गया बच्चों 162, तो y बराबर कितना हो जाएगा 162 बटे में 2, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 एक कम 2, y कितना आ गया बच्चों 81 आ गया, y कितना आ गया 81। y का मान समीकरण दो में रख दो,
एक्स बराबर 81 बटे प्लस में 18, एक्स बराबर 99 ही हो जाएगा। समझ गए? तो दोनों कोण आपके पास आ चुके हैं। वीडियो का स्क्रीन शॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, बहुत ध्यान से समझना। आपको इक्वेशन अगर बनानी आ जाती है ना बच्चों, इसके बाद तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी आप चाहो उसी से आप हल कर सकते हो, लेकिन आपको इक्वेशन बनाना अनिवार्य है, आना चाहिए ही चाहिए, और कोई उपाय भी इसका है नहीं अपने पास। क्या कह रहे हैं बच्चों? एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो देखो, एक एक चीज की ज्ञात करेंगे बच्चों अपन। क्या कहेंगे? माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर में एक्स रुपए है, लेट द कोस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स एंड द कोस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई, तथा एक बॉल का मूल्य वाई रुपए है। समझ में आ गया? इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? लेट द कोस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स, एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए? एक्स रुपए, तथा एक बॉल का मूल्य वाई रुपए। बच्चों सवाल क्या कह रहा है बच्चों? सवाल कह रहा है कि इसमें 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल। आप खुद सोचो, एक बैट एक्स रुपए में आता है तो 7 बैट 7x रुपए में आएगा, एक बॉल वाई रुपए में आती है तो 6 बॉल 6y रुपए में आएगी, और पे करना पड़ रहा है उसको 3800 रुपए। समीकरण एक हो गए बच्चों, कोई समस्या नहीं है। एक बल्ला एक्स रुपए में आता है तो 7 बल्ले 7x में आ जाएंगे, एक बॉल वाई रुपए में आती है तो 6 बॉल 6y में आ जाएगी, और टोटल पे कर रहा है 3800 रुपए, तो प्लस 3800 रुपए हो जाएगा। आगे और कह रहा है बेटा, आगे कह रहा है तुम खुद देख सकते हो कि 3 बल्ले और 5 बॉल, 3 बल्ले 3x में आएंगे बच्चों, 5 बॉल 5y में आएगी, इक्वल टू कितना रुपए देना पड़ रहा है? 1750 रुपए। कितना रुपए? 1750। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से कोई हल कर लो, इलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे तो, पर लेकिन यहाँ तो प्रतिस्थापन कह रहा है तो उसी से करना पड़ेगा। तो इस 5y को उधर ले जाते हैं तो किसका हो जाएगा बच्चों? 3x = 1750 - 5y, x = 1750 - 5y, और बटा में 3, ये वाला 3। ठीक है बच्चों, ये आपका समीकरण नंबर 3 आ गया। समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 3 से 1 में मान रखने पर देखो, 7 का 7 बच्चों, x की जगह बताओ आप कितना है? 1750 - 5y बटा में 3, और प्लस 6y का 6y है बराबर 3800 का 3800। एलसीएम क्या है बच्चों? 3, ये 7 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, तो 0 का 0, 7 5 35, 3 असल 7 2 7 49 और 3 52, 5 असल 7 1 7 और 5 12। दोबारा से देखो एक बार, 0 का 0, 7 5 35, 3 असल 7 2 7 49 और 3 52, 5 असल 7 1 7 और 12, और 3 को y से गुणा करूंगा तो मैं कितना, 7 को 5 से गुणा करूंगा तो 35y आ जाएगा, और प्लस ये 3 को 6 से गुणा करूंगा तो 18y हो जाएगा बराबर 3800 का 3800 हो जाएगा। समझ गए? 12250 - 17y बचेगी बच्चों, 35y में से 18y घटाएंगे तो बराबर ये 3 इससे गुणा होगा, 3800 * 3 हो जाएगा ये। इसके बाद में इसको ऊपर देखिए जरा, 12250 - 17y = इसको 3800 को 3 से गुणा करूंगा मैं तो 2 0 का 2 0, 8 3 24, 2 असल 3 3 9 और 2 11 है। अब 12250 को उधर लेकर जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा,
माइनस का 17y बराबर 11400 माइनस 12250। माइनस का 17y बराबर इसमें से इसको घटाओ बच्चों, 12250 और 11400 घटा के देखो, 0 का 0, 5 का 5 हो जाएगा ये, है ना बच्चों, और ये बच जाएगा आपका इधर 8 और वो भी माइनस का बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 850 बटे 17, 17 पंजू 85, वाई कितना आ गया बच्चों 50, 50 रुपए की एक बोल आती है, समझ गए। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर बेट का मूल्य आ जाएगा 1750 माइनस 5 गुणे 50 250 बटे में 3, 17.5 में से 250 गए तो 1500 बच गए बच्चों, 1500 में 3 का भाग दे लो, 3 5 15 500, एक्स कितना है बच्चों 500, 500 रुपए में एक बैट आ जाए, खरीदना है तो खरीद लो, समझ गए। वीडियो को लाइक करो, आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हल करना पड़ेगा बच्चों, दे रखा हुआ इसलिए करना पड़ेगा, एलिमिनेशन से ये ज्यादा सरल हो जाता, यानी कि एलिमिनेशन मेथड अपनाते ना अपन तो ये ज्यादा समय इसमें नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है भाई, एक टैक्सी है उसका किराया फिक्स है भाई, बैठ जाओ, बैठ के लेगा वो तो कह रहा है, अगर बैठ गया ना टैक्सी में तो किराया देकर ही उतरना पड़ेगा, फिक्स कर रखा है उसने। अब आगे कह रहा है कि आगे और आगे जाओगे तुम जितनी डिस्टेंस के हिसाब से और पैसे लगेंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज लगेगा प्रति किलोमीटर का, ठीक है। और कुछ आपको डाटा दे रखा है, उस डाटा आंकड़ों की सहायता से आपको समस्या को हल करना है। देखो क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी का नियत भाड़ा है बच्चों, अतिरिक्त भाड़ा चली गई दूरी पर निर्भर करता है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपए देता है, 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपए देता है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जाता है तो भाड़ा उसको कितना देना पड़ेगा, समझ गए बच्चों। ये आपका चौथा सवाल है बच्चों, कौन सा है, तीसरे का चौथा। माना कि नियत किराया बराबर एक्स रुपए, जो फिक्स चार्ज कर रखे है उसने बैठते ही लेगा वो तो एक्स रुपए तो लेगा ही लेगा बच्चों, बैठ जाओ भाई एक्स रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद में प्रति किलोमीटर का किराया अलग से वो वाई रुपए है मान लेता हूं, ठीक है, तथा लिख देता हूं, समझ गए ना, दो चीज मान ली हमने, फिक्स किराया मान लिया एक्स रुपए और पर किलोमीटर का चार्ज मान लिया वाई रुपए, ठीक है बच्चों। अब एक आदमी 10 किलोमीटर जाता है 105 रुपए पे करता है, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक्स रुपए तो देना ही पड़ेगा भाई, बैठ तो लिया, प्लस एक किलोमीटर का एक वाई तो 10 किलोमीटर का 10 वाई देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बराबर 105 रुपए खर्च कर रहा है, समीकरण नंबर एक आ गया आराम से। उसके बाद में दूसरा आदमी क्या करता है, 15 किलोमीटर जाता है, एक्स रुपए तो देना ही पड़ेगा उसको भी, फिक्स है ये तो, 15 किलोमीटर का 15 वाई, एक किलोमीटर का वाई तो 15 किलोमीटर का 15 वाई बराबर कितना है बच्चों 150 दे रखे हैं, कितना 155, समीकरण नंबर दो, बस अपना काम हो गया, समीकरण एक और दो की मदद से हम आराम से हल कर सकते हैं समीकरण को। देखो कैसे x बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण तीन बन गए ना, समीकरण तीन से समीकरण दो में मान रखने पर x की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, ये 15y में से 10y गई तो 5y बच गई, बराबर 155 माइनस 105, 5y बराबर कितना हो गया 50, y बराबर 10 आ गया, मतलब फिक्स 10 रुपए तो देने पड़ेंगे, बैठ जाओ 10 रुपए देने पड़ेंगे कुछ भी हो जाए तो, रख दो y का मान यहां पर, y का मान तीन में रखने पर x बराबर में 105 माइनस 10 गुणे 10, y का 10 है ना भाई मान, x बराबर 105 माइनस, अच्छा रुको थोड़ा सा, सो x बराबर 5 रुपए तो फिक्स है भाई, 5 रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे, 10 रुपए तो एक किलोमीटर के हैं, घबराओ मत, 5 रुपए देने पड़ेंगे बच्चों बैठ गए तो, और 5 रुपए के अलावा एक किलोमीटर चलोगे 10 रुपए अलग से देने पड़ेंगे, 2 किलोमीटर चलोगे अलग से देने पड़ेंगे, एक आदमी 25 किलोमीटर चलता है कितने देने पड़ेंगे, ये सवाल पूछ रहा है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से,
एक्स तो देगा ही देगा भाई साहब, वो एक किलोमीटर का वाई रुपए, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई देगा कि नहीं देगा। एक्स का मान कितना आया था 5, 25 गुणे 10, वाई का मान 5 प्लस 25 दाम 250, और 250 में 5 जोड़ेंगे 255 रुपया उसको देना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर की जर्नी करता है, यात्रा करता है। तो समझ गए बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5वें पर चलते हैं। इतने आप इस सवाल को एक बार समझ लो। कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ये 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। बच्चों भिन्न में क्या होता है, एक तो न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, एक तो होता है अंश और एक होता है हर। बच्चों तो देखो अंश को और हर को मान लेते हैं अपन, तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी ना, भिन्न आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो लेट यानी कि माना कि 5वां सवाल माना कि अंश कितना है बच्चों एक्स है, तथा हर कितना है बच्चों वाई है, तब भिन्न कितनी हो जाएगी एक्स बटे वाई। इंग्लिश में सुनो, लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, देन फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई। समझ गए, ये आपके फ्रैक्शन हो गई, भिन्न हो गई, और प्रश्न के हिसाब से लेंगे। यहां देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम इसके अंश में, यदि हम इसके अंश में और हर में 2 जोड़ दें, x प्लस 2 बटे y प्लस 2, तो वह कितना हो जाता है, बताओ कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है 9/11, मतलब गुणा करो, हल करो इसको, 11 को इससे गुणा करूं या इससे करूं, दोनों से करना पड़ेगा ना, 11x प्लस 22, 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 18, 9y को इधर लाऊंगा किसका हो जाएगा बच्चों 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, क्या हो गया बच्चों 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। समीकरण नंबर 1 आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, समीकरण 1 में दिक्कत नहीं आई ना आपको। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 2 बनाने का प्रयास करते हैं। सवाल कह रहा है अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, ये लो अंश इसमें 3 जोड़ दिया, ये लो हर इसमें भी 3 जोड़ दिया, तो हो गई भाई 5/6 के बराबर। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को इससे गुणा करूंगा तो 6x आएगा, 6 को 3 से गुणा करूंगा तो 18 आएगा, 5 को y से गुणा करूंगा तो 5y आएगा, 5 को 3 से गुणा करूंगा तो 15 आएगा। This implies 6x का 6x माइनस 5y का माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर 1 और 2 की मदद से आप इसको हल करिए, बना के देखिए, वीडियो को पॉज करिए। मुझे उम्मीद है बना के देखा जरूर होगा आपने। अब इसका क्वेश्चन नंबर, इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप हल कर लेना, 2 इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आता है तो आप जो है करेक्ट करके बता सकते हो कमेंट में, कि कुछ तो बताया करो कमेंट में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई क्या समस्या है तुम्हारी। ठीक है, अगर समस्या बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, कमेंट बॉक्स है आपके पास, टाइप करिए और भर दीजिए इसको। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, ऐसा सवालों में आपको दिक्कत आती है, 5 वर्ष बाद जैकेट की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और कह रहा है 5 वर्ष पहले इसकी आयु उससे 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करो जैकेट की और उसके बेटे की। 6वां सवाल, लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का बच्चों, इसके बाद आपका 3 पॉइंट है, 4 चलेगा। माना कि जैकेट की आयु, जैकेट की वर्तमान मान लो, वर्तमान फिलहाल की वर्तमान आयु कितना है मान लो एक्स बरस है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई बरस मान लो। ठीक है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु वाई बरस मान लिया आपने, दिख रहा है ना आराम से। इसके बाद में क्या करोगे, पहले तो मैं 5 वर्ष बाद की सिचुएशन लेता हूं, 5 वर्ष बाद एक बात बताओ,
पांच वर्ष बाद जैकब की आयु में पांच जोड़ो या उसके पुत्र की मैं जोड़ू? दोनों में जोड़ना पड़ेगा ना, पांच वर्ष बाद मैं भी बढ़ूंगा आप भी बढ़ोगे, स्थिर तो रहोगे नहीं। तो पांच वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस पांच, उसके पुत्र की आयु y प्लस पांच। छोटा कौन है, ये है कि ये? छोटा तो यही रहेगा ना, पुत्र भी तो है, पिता बड़ा होता है। तो सवाल बच्चों कह रहा है कि तीन गुणी हो जाएगी, पांच वर्ष बाद तीन गुणी होने की बात कर रहा है। तो ये बेटा पिता है, ये पुत्र है, इसको मैंने कर दिया तीन से गुणा, तो इसके बराबर हो जाएगा नहीं, ठीक है। x प्लस पांच बराबर तीन वाई प्लस पंद्रह, कोई दिक्कत है? तीन वाई को इधर लाओ, x माइनस तीन वाई बराबर पंद्रह माइनस पांच, तो x माइनस तीन वाई बराबर में दस। समीकरण नंबर एक आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे कह रहा है पांच वर्ष पहले, तो पांच वर्ष पहले की स्थिति लेते हैं, पहले में घटेगा तो जैकेट की आयु बताओ, x माइनस पांच हो जाएगा, पुत्र की आयु बताओ y माइनस पांच हो जाएगा, ठीक है। इससे कितना गुणी है, सात गुणी है कह रहा है ये सवाल, x माइनस पांच बराबर y माइनस पांच गुणे में सात, ठीक है बच्चों। x माइनस पांच बराबर सात वाई माइनस पैंतीस, x माइनस सात वाई बराबर माइनस का पैंतीस और प्लस का पांच, ये पांच प्लस का हो जाएगा, x माइनस सात वाई बराबर माइनस का तीस। समीकरण नंबर दो, समीकरण एक और समीकरण दो को आप इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से आप हल कर सकते हो, समझ गए बच्चों। इस प्रकार से इसको आपको, चलो मैं कराई देता हूं इसको भी, हाथ हाथ किया, x माइनस तीन वाई बराबर में दस, और ये क्या है x माइनस सात वाई बराबर माइनस का तीस। बाई एडिंग नहीं करोगे, बाई सब्ट्रैकिंग करोगे, चिन्ह बदली होगा, इससे कटेगा, ये चार वाई बचेगा बराबर चालीस, वाई बराबर चालीस बटे में चार, चार ढाई चालीस, वाई का मान कितना आ गया बच्चों, दस आ गया। वाई का मान कहाँ रखोगे, जहां तुम्हारे जी चाहे वहां रख लो, यहां रख लेते हैं। तो भाई तीन रखेंगे, वाई का मान देखो एक्स माइनस तीन गुणे में दस बराबर में दस, दस तीस, तीस उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, दस प्लस में तीस बराबर में चालीस। पिता कितने साल का है, चालीस साल का, पुत्र कितने साल का है, दस साल का। समझ में आ गया बच्चों। इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 3.3 खत्म होती है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला चैप्टर